हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव, आप सभी का स्वागत है जयंत के गाइड्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। मोटोरोला की तरफ से एक न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि मोटोरोला अपने मोटो G22 को बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकता है। ये स्मार्टफोन मोटोरोला की तरफ से अंडर बजट वाला स्मार्टफोन माना जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली स्मार्टफोन की जो प्राइजेस है वो अंडर 15,000 आपको देखने को मिल सकती है। क्या कुछ खास लेकर आने वाला है ये स्मार्टफोन, क्या की स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं, साथ में क्या प्राइजेस हो सकती है और कब तक इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कुछ अल्टरनेटिव स्मार्टफोन इस फोन की जगह पे लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, चैनल पर नया है अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती रहेगी। साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं मोटो G22 के बारे में, क्या कुछ फीचर्स लेकर आएगा हमारा ये मोटोरोला का स्मार्टफोन इंडिया के अंदर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो प्लास्टिक की फ्रेमिंग हमें देखने को मिलेगी स्मार्टफोन के अंदर, साथ में क्वाड कैमरा सेटअप होगा विद डुअल एलईडी फ्लैशलाइट, जिसके साथ नाइट विजन में काफी बढ़िया सी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी आप लोग कर पाएंगे। सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा स्मार्टफोन के अंदर, साथ में पंच होल वाला कैमरा सेटअप आपका सेल्फी वाला देखने को मिलेगा, टाइप सी की चार्जर को सपोर्ट करेगा फॉर चार्जिंग एंड यूएसबी कनेक्टिविटी, साथ में हाइब्रिड सिम का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड या फिर डुअल सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्टफोन के अंदर। 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको डाउन साइड में देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ आप हेडफोन्स को आराम से एंजॉय कर सकेंगे, किसी तरह कोई इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ में फिंगरप्रिंट जो स्कैनर आता था हमारा वो साइड माउंटेड आपको देखने को मिलेगा, बाकी सारे बटन चाहे वो ऑन ऑफ का बटन हो पावर का बटन हो वो अपनी जगह पर राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से इन टर्म ऑफ बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन काफी सॉलिड स्मार्टफोन होने वाला है, किसी तरह के कोई इश्यूज आपको डिजाइनिंग में या फिर बिल्ड क्वालिटी की मटेरियल्स में देखने को नहीं मिलेगी, काफी बढ़िया स्मार्टफोन देखने में आपको लगेगा। वहीं अगर आप स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी और बैंड्स के बारे में दोस्तों बातें कर ले तो थोड़ा सा निराशा हमें जरूर देखने को मिलेगा। ये 4G स्मार्टफोन LTE बैंड के साथ आपको देखने को मिलेगा। हमने काफी उम्मीदें रखी थी कि अब मोटोरोला जब अपने किसी स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा तो मे बी वो 5G का स्मार्टफोन होगा, लेकिन स्टिल आपको 4G का स्मार्टफोन देखने को मिलेगा मोटोरोला की तरफ से मोटो G22 के रूप में, लेकिन ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस आपको निकालकर इन टर्म ऑफ कनेक्टिविटी और बैंड्स भी ये स्मार्टफोन दे देगा। अब अगर बात कर लेते स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में दोस्तों, तो मीडियाटेक का हीलियो G37 प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा, जो कि 12 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन के ऊपर वर्क करने वाला एक प्रोसेसर है, ठीक ठाक सा डिसेंट सा परफॉर्मेंस हमें निकाल कर दे देगा। बैटरी एफिशिएंसी के मामले में भी परफॉर्मेंस इसका ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा, काफी अपने बजट के अकॉर्डिंग ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस दे देगा। ऑक्टो कोर वाला CPU होगा, साथ में पावर VR का GPU आपको देखने को मिलेगा, GE8320 वाला एक कैनी GPU है, जिसके साथ आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक सा रहेगा, बहुत हाई क्वालिटी इसके गेम नहीं खेल पाएंगे आप लोग। अगर आप लोग सोच रहे थे कि भाई मैं गेमिंग पर्पस के लिए इस स्मार्टफोन को परचेस करूंगा तो आई विल से नो फॉर दिस स्मार्टफोन, आपके लिए ये स्मार्टफोन नहीं बना है, लेकिन डे टू डे लाइफ में जनरल लाइफ के यूजर्स में किसी तरह की कोई इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रोसेसर काफी तगड़ा है, GPU अपने बजट के हिसाब से तगड़ा है, लेकिन गेमिंग वालों के लिए नहीं बना है, सो गेमिंग के लिए मत लीजिएगा, बाकी डे टू डे लाइफ में किसी तरह की कोई इश्यूज नहीं, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको निकालकर यह प्रोसेसर दे देगा। अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में दोस्तों, तो 6.53 इंचेस की HD रिजोल्यूशन वाला AMOLED पैनल हमें देखने को मिलेगा, यानी कि 720p के रिजोल्यूशन वाला AMOLED पैनल होगा, जो कि वर्क करेगा 90Hz के रिफ्रेश रेट के ऊपर। साथ में पिक्सल डेंसिटी के बारे में बातें कर ले तो 270 PPI की पिक्सल डेंसिटी हमें देखने को मिलेगी। पंच होल वाला कैमरा सेटअप होने वाला है स्मार्टफोन के अंदर, साथ में अगर मैं बोलूं तो डिस्प्ले की क्वालिटी डिसेंट से आपको देखने को मिलेगी, अपने बजट के अकॉर्डिंग ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन का डिस्प्ले भी आपको निकाल कर दे देगा। अब चलिए दोस्तों बातें कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, तो क्वाड कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलेगा, 50+8+2+2 का कॉम्बिनेशन होने वाला है, जिसमें कि 50 MP का वाइड एंगल कैमरा, साथ में 8 MP का अल्ट्रा वाइड और दो का यानी कि 2+2 का कॉम्बिनेशन आपको माइक्रो और डेप्थ सेंसर कैमरे का देखने को मिलेगा। 1080p के रिजोल्यूशन पे आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पे। साथ में जो फ्रंट वाला सेल्फी शूटर दिया गया है वो होने वाला है 16 MP का, जिसके साथ भी आप 1080p के रिजोल्यूशन पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS के साथ। मेरे हिसाब से कैमरे का परफॉर्मेंस डिसेंट सा बढ़िया देखने को आपको मिलने वाला है, 50 MP का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के साथ, और अपने बजट के हिसाब से बढ़िया सा परफॉर्मेंस निकालकर आपको दे देगा। अब अगर बात कर लेते स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दोस्तों, तो एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, साथ में
स्टॉक एंड्रॉयड वाला स्मार्टफोन होने वाला है, यानी कि क्लीन यूआई आपको देखने को मिलेगी, यानी कि कोई बोटवेयर एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, किसी तरह की कोई फालतू एडवर्टीजमेंट नहीं होने वाली है, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, काफी क्लीन यूआई, यानी कि स्टॉक एंड्रॉयड वाले जो स्मार्टफोन आते हैं उनमें मैक्सिमम आपके गूगल के एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, कोई फालतू के प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में 2 साल का फ्री सिक्योरिटी अपडेट्स और मोस्ट प्रोबेबली आपको एक अपडेट एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप लोग एंड्रॉयड 12 परचेस कर रहे हैं तो ऐसी चांसेस है कि आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी देखने को इस स्मार्टफोन के साथ मिल जाएगा। मेरे हिसाब से मोटोरोला के स्मार्टफोन्स को परचेस करने का एक फायदा यही होता है कि इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड के साथ स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में बातें कर ले तो 5000 mAh की बैटरी हमें देखने को मिलेगी, साथ में 18 W वाला फास्ट चार्जर होने वाला है जिसके साथ आप लगभग 1 से 1.5 घंटे में अपने बैटरी को 0 to 100% तक चार्ज कर सकेंगे। साथ में 5000 mAh की बैटरी आपको आराम से 1 से 1.5 दिन का बैकअप निकाल कर दे देगी। अब अगर बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के सेंसर्स के बारे में दोस्तों, तो फिंगरप्रिंट वाला स्कैनर हमें साइड माउंटेड देखने को मिलेगा, साथ में फलाना ढिकाना जितने भी सेंसर्स आते थे, चाहे वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हो, एक्सेलेरोमीटर हो, जीरोस्कोप सेंसर्स हो, ये सारे ही आपको देखने को मिलेंगे इस स्मार्टफोन के साथ। सेंसर्स के मामले में कोई इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस सेंसर वाला पार्ट भी आपको निकाल कर दे देगा। तो चलिए अब हम लोग अपना झोला झक्कड़ लेकर दोस्तों चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव की तरफ और बातें कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के वेरियंट्स और प्राइजेस के बारे में, साथ में कब तक इंडिया के अंदर इस फोन की लॉन्चिंग हो सकती है। 2 वेरियंट वाले स्मार्टफोन होगा रैम के मामले में, 4 GB की रैम और 6 GB का रैम हमें देखने को मिलेगा, साथ में 64 GB की इंटरनल स्टोरेज और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज का 2 ऑप्शन भी हमें देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू योर बजट आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेस कर लेते हैं। 64 GB वाला भी लेंगे आप तो एक्सटर्नल SD कार्ड का इस्तेमाल करके आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकेंगे, कोई इश्यूज आपको नहीं होने वाला है। बात कर लेंगे इस फोन के प्राइसेस के बारे में, तो बताया जा रहा है कि 12 से 13 हज़ार के बीच की इसकी प्राइसेस होगी बेस वेरिएंट की और लगभग 14,999 के आसपास की आपकी प्राइसेस होगी 6 GB रैम 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाली की, क्योंकि लगभग 200 यूरो में ये स्मार्टफोन आपका यूरोपियन नेशन से लॉन्च होगा। माना जाता है कि जब यूरोपियन नेशन में लॉन्च होता है जिस भी प्राइसेस के ऊपर लगभग 25 से 30% लेस प्राइसेस आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलता है और उसके कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 12 से 13 हजार रुपए की प्राइसेस आपकी इंडिया में बनती है। बाकी जब ये लॉन्च हो जाएगा तो देखा जाएगा क्या एग्जैक्टली प्राइसेस इसकी आती है। लॉन्चिंग डेट से अगर रिलेटेड बातें कर ले दोस्तों, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्च के एंड में या फिर अप्रैल की शुरुआत में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर, और साथ में काफी अच्छे अच्छे अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं आपके। आज फिर से मैं बोलूंगा रेडमी का नोट 10S अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है, साथ में मोटरोला का मोटो G31 भी था जो कि अच्छे विकल्प के रूप में आप लोग इस स्मार्टफोन को देख सकते हैं बाय करने के लिए। और कुछ भी इसमें और एक्स्ट्रा खास नहीं है जो आपको मोटो G31 में देखने को मिला, लगभग सब कुछ वैसा ही सिमिलर इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग कमेंट करके अपने राय जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगता है स्मार्टफोन, क्या प्राइसेस जानी चाहिए स्मार्टफोन की। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में कुछ नए टेक न्यूज के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।